देखिए यहाँ से बताना था अर्थ, पिछले हमने वीडियो में बता दिया था। तो दिया है एवरीबडी प्रेजेंट देयर, प्रत्येक लोग वहाँ मौजूद थे। वाज स्टैंड एट द बॉयज मैजिक, स्टैंड माने आश्चर्यचकित या फिर दंग रहना। जैसे कोई अच्छा वर्क करता है लोग नहीं आश्चर्यचकित हो जाते, दंग रह जाते हैं। वही कह रहा है एवरीबडी प्रेजेंट देयर, प्रत्येक लोग वहाँ पे मौजूद थे। वाज स्टैंड एट द बॉयज मैजिक, उस लड़के के जादुई ब्रश को देख करके सभी लोग दंग रह गए। द बॉय गेव दैट ग्रीन, द बॉय उस लड़के ने गेव दैट ग्रीन एप्पल हरा सेब दिया टू द रॉयल डॉक्टर, उस डॉक्टर को देता है। किस डॉक्टर को? यहाँ पे देखो ये डॉक्टर है, इसे लड़का देता है, देखिए साई डॉक्टर को, ठीक ना। ये डॉक्टर साहब को देता है, देखिए यहाँ पे पेंट भी करता है। ये जब हरा सेब हो जाता है तो इस डॉक्टर को देता है, यही डॉक्टर देखिए अब क्या कर रहा है आगे उस कहानी में मिलेगा। तो द डॉक्टर पुट द ग्रीन एप्पल ऑन द लिप्स ऑफ द प्रिंसेस, यानी कि जो डॉक्टर रहता है वो पुट द ग्रीन मतलब हरे सेब को, ग्रीन एप्पल मतलब हरे सेब को, पुट मतलब रखता है ऑन द लिप, लिप के ऊपर यानी कि ओठ के ऊपर, ऑन द ऑफ द प्रिंसेस राजकुमारी के ओठ के ऊपर उस हरे सेब को रखता है। देखो यहाँ पे जैसा कि यह राजकुमारी यहाँ पे लेटी हुई है, यह रॉयल डॉक्टर है और ये ग्रीन सेब अपने हैंड में लिया हुआ है, इनके ओठ पे रख रहा है। बस समझ में आई? इसके बाद क्या होता आगे, एंड और एज ए रिजल्ट, और अपने मतलब रिजल्ट की यानी परिणाम की प्रतीक्षा करने लगता है। द प्रिंसेस वोक अप मतलब राजकुमारी जाग जाती है, जाग जाती मतलब बेहोश रहती है तो क्या हो जाती है, जाग जाती। एंड एवरीबडी और प्रत्येक लोग, स्टार्टेड माने शुरू कर देते हैं, प्रेसिंग माने प्रशंसा, बिल्लू माने बिल्लू प्रशंसा सभी लोग करने लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर भाई सही हो गया तो प्रशंसा करेंगे ही। आगे बिल्लू एंड हीज, बिल्लू और उसकी मतलब बिल्लू एंड हीज और उसके मैजिक ब्रश, यानी बिल्लू का जो, देखो यहाँ पे बिल्लू खड़ा हुआ, इसकी और इसके मैजिक ब्रश की लोग तारीफ करने लगते हैं। आगे नाउ द किंग, अब राजा आस्क्ड कहा बिल्लू के मतलब, नाउ द किंग आस्क्ड, नाउ माने अब, द किंग माने राजा, आस्क्ड माने पूछना, आस्क्ड माने कहा या पूछा, बिल्लू बिल्लू को अबाउट हिज रिवार्ड उसको पुरस्कार देने के बारे में पूछा या कहा। ऑन विच बिल्लू सेड और जिस पे बिल्लू ने कहा, मतलब वह बिल्लू को पुरस्कार देना चाहता था, कौन राजा देना चाहता, इसमें राजा कौन, यही जिसके ऊपर ये मुकुट है दिख रहा है यही राजा है इसमें से, ठीक है। इसी राजे ने इस बिल्लू को इनाम देना चाहा, रिवार्ड मतलब इनाम देना चाहा। तो आगे क्या होता भाई, तो भाई क्या होता आगे देखते हैं। बिल्लू, तो बिल्लू जी हाँ, यहाँ से आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता एनी थिंग फॉर मी, यानी मुझे या मुझसे मैं मतलब कोई अभिलाषा आपसे नहीं रखता हूँ। आई डोंट वांट एनी थिंग फॉर मी, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, एनी थिंग मतलब कुछ नहीं चाहिए। देर आर मैनी पीपल इन योर किंगडम आपके राज्य में, किंगडम माने राज्य में, मैनी पीपल माने बहुत से लोग, देर आर मैनी पीपल इन योर किंगडम आपके दरबार में बहुत से लोग हैं, आपके दरबार में बहुत से लोग हैं, हु आर वेरी पुअर जो बहुत गरीब हैं, एंड और दे लिव द लाइव ऑन वन टाइम मील ओनली, जो कि मील माने भोजन, मील मतलब भोजन, जो एक वक्त का ही सिर्फ भोजन कर पाते हैं, जो कितने वक्त का, एक वक्त का सिर्फ भोजन कर पाते हैं। सो इसलिए प्रोवाइड देम सुटेबल जॉब, उन्हें एक उचित काम दे दीजिए, प्रोवाइड माने देना, सुटेबल माने अच्छी तरीके से, अच्छा ठीक ना, सुटेबल माने ठीक तरीके से, आप उन्हें ठीक तरीके से जॉब मतलब कार्य दे दीजिए इन योर पैलेस अपने महल में। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा, ग्रेटफुल मतलब आभारी रहना या मैं खुश रहूँगा। आगे देखिए कहानी क्या कहाँ तक पहुँचती है। द किंग वाज फ्लेवर गेस्टेड मतलब जो फ्लेवर गेस्टेड एट द बॉयज विश मतलब कि जो राजा था वो फ्लेवर गेस्टेड हुआ। फ्लेवर गेस्टेड का मतलब क्या होता है, हैरत में डालना मतलब उसकी हैरत में डाल दिया, मतलब फ्लेवर गेस्टेड द बॉयज विश। विश माने क्या होता है, विश माने आशा, WISH विश माने इच्छा या आशा, ठीक है। मतलब कि वह उसे आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि फ्लेवर गेस्टेड हो गया, यानी कि फ्लेवर गेस्टेड का मतलब क्या मैं लिखा हूँ, हैरत में डालना, मतलब जैसे किसी को हैरत में डाल दिया कि भाई मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ, राजा सोचा भाई लेगा लेकिन वो लड़का देखो कितना महान कि उसने कुछ लिया नहीं। द किंग वाज फ्लेवर गेस्टेड, राजा हैरान था एट द बॉयज लड़के की इस इच्छा से, ठीक ना। आगे द किंग ऑफर्ड, राजा ने ऑफर्ड किया हिम अ गुड जॉब। द किंग राजा ने ऑफर्ड मतलब उसको ऑफर्ड मतलब देना, हिम मतलब उसे अ गुड
पोजीशन इन हिज किंगडम, अपने राज में उसे एक अच्छे पोजीशन, यानी पोजीशन माने स्थान, एक अच्छा स्थान दिया। हाँ, पोजीशन इन हिज किंगडम, अपने राज में एक अच्छा स्थान दिया। एंड और ही फुलफिल्ड एंड ही फुलफिल्ड हिज विश आल्सो, आल्सो माने भी, फुलफिल्ड माने भरा, एंड माने और उसकी इच्छाओं को भी भर दिया, जो उसकी इच्छा थी उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग उसे मतलब जॉब दिया, और जो भी उसे कुछ चाहिए था उसने दिया। एवरीबडी यानी प्रत्येक लोग, प्रेस्ट माने प्रशंसा किया, बिल्लू माने बिल्लू की, फार हिज काइंड बिहेवियर, इस दयालु व्यवहार से, मतलब उसने जो एक अच्छा व्यवहार दिखाया था इससे सभी लोगों ने उसकी प्रेस्ट मतलब प्रशंसा की, मतलब काइंड बिहेवियर उसके इस प्रकार के व्यवहार से, लोग बिहेवियर माने व्यवहार से, ठीक ना, प्रशंसा किया उसकी इस व्यवहार से लोगों ने। अब देखिए डिफिकल्ट वर्ड है, इसे आप देख लीजिएगा, जैसे दिया है ऑर्फन मतलब अनाथ होता, वन हु हैज नो पेरेंट्स, वन हु वह व्यक्ति जिसके पास कोई माता पिता नहीं होते हैं उनको लोग बोलते हैं वन हु हैज नो पेरेंट, इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है ना। अगला देखिए दिया मिस फार्चून, मतलब मिस फार्चून मतलब दुर्भाग्य होता है, बैड या लकी, बैड लक नहीं लोग बोलते हैं, बैड लक दुर्भाग्य है, मेरा बैड लक चल रहा है। आगे देखिए लिखा ब्रश वुड मैचलेस, तो ये दिया सब पढ़ लीजिए।